हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए खास अपडेट। जी आज के हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि PhD क्या है और PhD कैसे करें, पूरी जानकारी इसकी हम आपको बताएंगे आज के हमारे इस वीडियो में। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। गाइस जैसा कि लाइफ में हर किसी का सपना होता है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करके एक अच्छी और ईमानदारी की जॉब करें और अपना नाम रोशन करें, लेकिन अगर आप किसी भी चीज की पढ़ाई करते हैं तो उसमें अपनी डिग्री पूरी करना चाहते हैं तो आपको उस कोर्स की पूरी जानकारी होना अनिवार्य है कि कोर्स क्या है, इसे कैसे करते हैं, इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसमें आपको क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी इत्यादि। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही पॉपुलर कोर्स के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है PhD। तो आखिर में PhD क्या है इसकी पूरी जानकारी जानते हैं आगे हमारे इस वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं। सो गाइस जैसा कि आप जान लेते हैं PhD कोर्स क्या है इसकी पूरी जानकारी, तो बता दें आपको PhD जिसका फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ फिलोसफी शॉर्ट में और सिंपल भाषा में PhD या PhD भी कहते हैं, ये एक उच्च यानी हाई स्टेटस डिग्री कोर्स है जो कि पूरे 3 साल का होता है और इस कोर्स को पूरा करने के बाद यानी PhD की डिग्री पूरी करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाया जाता है। ये एक डॉक्टरल डिग्री है। अगर आपको किसी कॉलेज में एक प्रोफेसर या लेक्चर बनना है तो ऐसे में आपके पास ये डिग्री होना अनिवार्य है, तभी आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं या फिर आप चाहे तो रिसर्च या एक एनालिसिस भी बन सकते हैं। अपने सब्जेक्ट में इस कोर्स को करने के बाद आपके पास किसी भी एक सब्जेक्ट का भरपूर ज्ञान होगा। जैसा कि आपको बता दें PhD के लिए योग्यता क्या चाहिए, तो बता दें आपको आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए, मास्टर डिग्री पूरी होनी चाहिए, कम से कम 55% या 60% मार्क्स चाहिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ये परसेंटेज कुछ कॉलेज में अलग अलग होती है। PhD कोर्स करने के फायदे जानते हैं। बता दें आपको PhD उच्च यानी हाई स्टेज डिग्री कोर्स है। PhD करने के बाद आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट कहलाएंगे। PhD करने के बाद आप किसी भी कॉलेज में एक प्रोफेसर बन सकते हैं। PhD करने के बाद आप रिसर्च या एनालिसिस कर सकते हैं। PhD करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। PhD करने के बाद किसी भी पोजीशन के लिए जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। PhD करने वाले को हम क्रिएटर ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। PhD करने के बाद आपको अपने फील्ड में सब कुछ ज्ञान हो जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वही अब आगे आता है PhD कैसे पूरा करें इसकी जानकारी। जी हाँ, मास्टर डिग्री की पढ़ाई पूरी करें। जैसे ही आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं इसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना होगा। ध्यान रहे जिस फील्ड बैचलर डिग्री पूरी की है उसी सब्जेक्ट में आपको मास्टर डिग्री भी पूरी करनी होगी, तभी आपको PhD में फायदा होगा। और कोशिश करें कि मास्टर और बैचलर डिग्री में आपके कम से कम 60% मार्क्स हो ताकि आपको आगे एंट्रेंस एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। UGC नेट टेस्ट के लिए अप्लाई करें और क्लियर करें। जी हाँ, जैसे ही आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है तो आपको PhD करने के लिए UGC नेट एग्जाम देना होगा और इसे क्लियर करना होगा। पहले ये एग्जाम नहीं था लेकिन अब PhD करने के लिए इस एग्जाम को क्लियर करना अनिवार्य कर दिया गया है। जैसा कि बाकी में जान लेते हैं PhD के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करें। जी हाँ, जैसे ही नेट एग्जाम क्लियर कर लेते हैं इसके बाद आप PhD एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए योग्य हो जाएंगे। तो अब आपको अपने हिसाब से भी कॉलेज से आपको PhD की पढ़ाई करनी होगी। उस कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दे। हर यूनिवर्सिटी अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। PhD के लिए तो आपको इस एग्जाम को क्लियर करना होगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। जैसा कि दोस्तों अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन आगे आने वाली ऐसी अपडेट से वाकिफ रहने के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और करिए इंतजार हमारी अगली अपडेट का। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।